हेलो दोस्तों, आज हम दो चर के रैखिक समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करेंगे। देखिए, आपका मान लीजिए कि दो चर के रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो होता है। ये आपका दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए इस समीकरण को एक्स प्लस ए कि होल स्क्वायर बराबर बी के स्क्वायर में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। आप देखिए, इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम जो आपका एक्स का गुणांक है वो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर माइनस सी कर देंगे। ठीक ना, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण वन में, चाहे तो वन लिख सकते हैं, समीकरण में दोनों तरफ ए से भाग देने पर दोनों तरफ ए से भाग दे दीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा में ए हो जाएगा इक्वल टू माइनस सी अपॉन में ए हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर अब आप देखिए, यहां आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए बटा ए हो जाएगा प्लस बी एक्स बटा में ए हो जाएगा और ये माइनस सी बाई ए हो गया। अब देखिए, इसे चाहे तो कर सकते हैं, ये ए से ए कट जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमको लाना है इस फॉर्म में ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लाना है, तो ये आपका ए स्क्वायर हो गया प्लस, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हमको देखिए ए स्क्वायर मिल गया है, अब हमको क्या मिलना चाहिए, टू ए की जगह पे आपका क्या है एक्स है ना, और बी की जगह पे आपका क्या हो गया बी बटा ए हो गया। अब देखिए, इसको संतुलित करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको संतुलित में करने के लिए देखिए, तभी ना ये टू से टू, चाहे तो कटा सकते हैं, हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूला पे लाने के लिए, चूंकि ए आपको प्राप्त हो गया और यहां से आपका टू ए बी के फॉर्मूला से आपका ये बी प्राप्त हो गया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाने के लिए आपका बी का स्क्वायर भी चाहिए, तो बी के स्क्वायर के लिए टू ए का हम होल स्क्वायर कर दिए हैं। देखिए, टू ए स्क्वायर का अगर किसी भी समीकरण में हम कोई भी चीज जोड़ रहे हैं तो उसको घटाना भी होगा तभी वह संतुलित होगा। अगर एक तरफ जोड़ रहे हैं तो या तो दूसरे तरफ जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसी तरफ आपको घटाना पड़ेगा, और इस प्रकार से आपका सी बाई ए हो जाएगा। दोस्तों, आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं, आप चाहें तो देखिए इन दोनों को घटा करके शून्य आ जाएगा और दो से दो कट जाएगा, मतलब इसी को ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में क्या कर दिए हैं, इसको सजा दिए हैं। आप क्या कीजिएगा कि अगर कोई भी अचर पद हो तो उसको एक्स स्क्वायर के जो अचर पद होगा, गुणांक होगा, उसको दोनों तरफ से भाग दे दीजिएगा और उसके बाद ए प्लस बी या ए माइनस बी या जो भी होगा उस पर आप सजाइएगा, तो आपका इस प्रकार से होगा क्या, एक्स प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर ये हो गया क्या, देखिए माइनस सी बटा में a है और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर बटा में 4a हो जाएगा। देख लीजिए, अगर हम इसको इधर करेंगे तो बी स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, चूंकि आप जानते हैं b बटा में 2a का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बटा में 4a स्क्वायर होता है। ठीक, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, आपको प्राप्त हो रहा है x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर बराबर आपको प्राप्त हो रहा है, देखिए 4a स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, 4a स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका बचेगा क्या 4, a से a से डिवाइड हो जाएगा तो 4। देखिए, अगर आप 4a में ए स्क्वायर में डिवाइड कीजिएगा तो ये 4a बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका 4a एलसीएम हो जाएगा, 4a में से c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a c हो जाएगा। ये सिंपल भिन्न पर के जोड़ घटाव है और ये आपका हो जाएगा क्या b स्क्वायर हो जाएगा। देखिए, इसी को हम विस्तार रूप में कर रहे हैं, इधर हम थोड़ा हटा दे रहे हैं,
अब देखिए यहां आप देखिए इसको हम क्या कर लेंगे, x प्लस बी अपॉन में 2a, इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर को पहले लिख लिए और 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक। अब इधर स्क्वायर है, अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक ना, लिखेंगे समीकरण में दोनों तरफ वर्ग करने पर, या अगर यहाँ पे स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाइएगा तो इधर आएगा तो रूट में हो जाता है, क्योंकि ये नियम है कि अगर ए स्क्वायर बराबर बी हो तो ए बराबर होता है रूट बी होता है, ठीक ना। तो इसको एक्सपोनेंशियल जो आपका फॉर्म है वो क्या, जो आपका रूट है वो इसमें हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आप देखिए समीकरण वन, समीकरण से हम प्राप्त करते हैं, इसको हम देखिए बना रहे हैं क्या, एक्स प्लस बी अपॉन में टू ए, ये स्क्वायर हटेगा तो उधर सीधा जाएगा तो रूट के रूप में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में आपका हो जाएगा फोर ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जहां भी रूट होता है वहां प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लेकर के आता है, दोनों साइन लेकर के आता है, ठीक है। अब इसको बनाइएगा तो एक्स प्लस बी अपॉन में टू ए, अब देखिए प्लस माइनस आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये और फोर ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो ये आपका टू ए हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हल करके हम क्या कर लिए, एक्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन में टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में आपका क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। इस प्रकार एक्स बराबर हो जाएगा टू ए कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, कॉमन ले सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं कुछ भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इस तरह से आपका एक्स का दो वैल्यू आया है, अगर आपका दो चर के रैखिक समीकरण का व्यापक रूप इतना हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इस तरह से बनाएंगे, और आपके एक्स के दो मूल आया है, पहला अल्फा आया है, अल्फा बराबर आपका हो गया है, अल्फा को पॉजिटिव लेते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और ये टू ए हो गया है, और बीटा को हम ले लिए हैं क्या माइनस बी, इसका हम क्या लेंगे निगेटिव ले लेंगे, एक पॉजिटिव मान के लिए हो गया और एक निगेटिव मान के लिए आपका हो गया। देखिए अगर किसी समीकरण का व्यापक रूप दो चर के द्विघाती समीकरण का व्यापक रूप हो तो इसके अल्फा बराबर मतलब एक्स के पहला मूल इस तरह से डायरेक्ट निकाल सकते हैं और दूसरा मूल जो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली ये बातें हैं, ठीक है। देखिए ये जितनी भी प्वाइंट है सब आपका मुख्य प्वाइंट है, मेन प्वाइंट है, ठीक ना। अब इसको देख करके और स्टॉप करके आप बना सकते हैं कि यह कैसे बना है, आप अपने कॉपी पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। अब हम कुछ आगे बात बताने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों के योग बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो इनके दो मूल हो गए द्विघात समीकरण है तो एक अल्फा हो गया दूसरा बीटा हो गया, तो मूलों का योग बराबर क्या हो गया, बीटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा बराबर क्या है देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में आपका टू ए है, और ये है क्या माइनस बी आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में आपका क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा। यहाँ आप इसको जोड़िएगा तो टू ए आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, ये आपका माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यहाँ देखिए ये माइनस है और ये प्लस है कट करके जीरो हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस बी और माइनस बी माइनस टू बी हो जाएगा, ठीक ना, और टू ए हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा और माइनस बी बटा ए। अगर आपका कोई दो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप इतना हो तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स गुणांक, एक्स का गुणांक और अपॉन में आपका हो जाएगा क्या ए जो है क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आप जानते हैं कि एक्स का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां से आया है, तो इस तरह से हल करके आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका दोनों का शून्यकों का योग बराबर होता है दो चर के द्विघात समीकरण में माइनस एक्स का गुणांक और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर आपका दे दिया है ध्यान से देख लीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर ए सी अपॉन में टू ए, और ये आपका माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
अपॉन में आपका क्या है 2a है। अब देखिए इसको a हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए सॉरी ये माइनस है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक ना। इसको स्क्वायर कर दीजिएगा और बटा में ये देखिए 2a में गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट आपका हट जाएगा, स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, इस प्रकार इसको बनाइएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप हल कीजिएगा, ये सिर्फ हल करने वाला है, माइनस बी स्क्वायर देखिए बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस 4ac हो जाएगा अपॉन में 4a स्क्वायर हो जाएगा। या देखिए बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा क्योंकि स्क्वायर से कट जाएगा और 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो आपको प्राप्त होगा का सी अपॉन में ए प्राप्त होगा। इसको हल कीजिएगा, ठीक ना, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, तो आपको बचेगा क्या माइनस में रूट में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हल कीजिएगा तो आपको सी बाई ए प्राप्त हो गया और सी आपका क्या है तो आपका अचर पद है, अचर पद है और ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक है, ठीक ना। मतलब दो चर के द्विघात समीकरण के मूलों के योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक और मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस तरह से हम प्रश्नावली आपका जो एनसीईआरटी का है वो आप 4.3 को ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को बना रहे हैं और उसमें बताना क्या है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को क्या करना है हल करना है। इसको वीडियो को स्टॉप करके आप अपने से बनाइएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। जब तक से आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक से हम कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं और आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक ना, तभी हमको लगेगा कि नहीं आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए आपका क्वेश्चन है 4.3 का पहला क्वेश्चन है, पहला का आपका पहला क्वेश्चन है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है आपको बनाना है। 2x² है माइनस 7x प्लस 3 है बराबर 0 है। इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए हम आपको बताए हैं कि हम सबसे पहले समीकरण को क्या करेंगे कि x प्लस 1 होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या करेंगे इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप देखिए इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2x² माइनस 7x बराबर माइनस 3, अचर पद को दाहिने तरफ ले गए। अब देखिए समीकरण में क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समीकरण में 2 से दोनों तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 ही है ना, 2 से दोनों तरफ विभाजित करने पर देखिए 2 से दोनों तरफ विभाजित कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा क्या 2x² माइनस 7x बटा में 2 बराबर माइनस 3 बटा में 2। देखिए विभाजित कीजिएगा तो आपको हो जाएगा x² माइनस 60 बटा में 2 x हो जाएगा बराबर माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाने के लिए x को हम लिख सकते हैं x के स्क्वायर हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिखेंगे 2 एक जगह पर x है, ठीक ना। और देखिए इसको संतुलित करने के लिए तो ये 7 तो रहेगा ही बटा में हम 4 लिख देंगे क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा दो बार में, तो हम नीचे से ऊपर जा सकते हैं। देख लीजिए अब देखिए ये 7/4 जो है बी के जगह पे आ रहा है तो हम क्या कर देंगे 7/4 का एडिशन कर देंगे उसका स्क्वायर करके, ठीक ना, तभी आपका ए माइनस बी या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा। तो चूंकि जब जोड़ रहे हैं तो हमको संतुलन करने के लिए घटाना भी होगा, ठीक ना, और बराबर आपका 3/2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका हो गया क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, देखिए एक्स माइनस 7/4 का हो जाएगा आपका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए माइनस 3/2 है यहां से यहां तक, अब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह से आप देखिए एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर माइनस 3/2, ये देखिए प्लस में 49/16 हो जाएगा, 7 से 49 होता है 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो एक स्टेप और ले जा रहे हैं, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर
बराबर, देखिए 16 है एलसीएम हो जाएगा ना, 16 आपका एलसीएम हो जाएगा, 8 बार में कटेगा 2 से कटाइएगा तो, और ये 24 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। ठीक, इन दोनों को क्या कर लिए, हल कर लीजिए तो आपको प्राप्त होगा क्या, एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 49 9 में से 4 जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और 4 में से 2 जाएगा, ये 25 बटा में आपका 16 हो जाएगा। अब देखिए इधर आप स्क्वायर हटाइएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो जाहिर सी बात है उधर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो उधर जाकर के क्या होगा, रूट में कन्वर्ट होगा, हो जाएगा। और भी प्लस और माइनस दोनों लेकर के, रूट में कभी भी कोई संख्या होती है तो प्लस में और माइनस दोनों में होती है, 25/16 हो जाएगा। ठीक ना, इसको अगर आप हल कीजिएगा तो प्लस माइनस 5/4 आएगा, देख लीजिए। ठीक, तो आपको प्राप्त हुआ क्या, एक्स बराबर 7/4, चूंकि 7/4 इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और ये है प्लस माइनस 5/4। ठीक, तो एक्स के दो मान होंगे चूंकि ये आपका द्विघात समीकरण है। ठीक ना, तो एक्स के जो दो मान होंगे तो एक को हम अल्फा ले लेंगे। ठीक ना, एक मतलब पॉजिटिव मान लेने पर, पॉजिटिव मान लेने पर आपका अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा का जो मान है एक से है। ठीक ना, एक्स बराबर हो जाएगा, या कोष्ठ में अल्फा भी लिख सकते हैं, 7/4 प्लस 5/4। ठीक ना, इस तरह से 4 एलसीएम हो जाएगा, 7 कटाएंगे 3 बार में जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये पॉजिटिव मान लिए हैं जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, फिर हम क्या लेंगे, निगेटिव मान लेने पर। ठीक ना, निगेटिव, ठीक ना, इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, आपका निगेटिव मान लेने पर, निगेटिव वैल्यू लीजिएगा तो आपका एक्स बराबर जिसको हम बीटा से डिनोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा क्या, 7/4 माइनस 5/4। अब देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, 7 माइनस 5 मतलब हो जाएगा 2/4, जिसको कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1/2, मतलब आपका एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक आपका आएगा क्या 3 आएगा, और दूसरा वैल्यू आएगा क्या आपका 1/2। मतलब इस द्विघात समीकरण के दो शून्यक होंगे आपके एक्स बराबर 3 और आपका एगो एक्स बराबर माइनस 1/2। इन दोनों का अगर हम इस वैल्यू इस द्विघात समीकरण में रखेंगे तो इसको क्या कर देगा, 0 के बराबर कर देगा। इसको शून्यक भी कहेंगे, इसका वैल्यू भी कहेंगे। अगर यह बहुपद होगा तो ये शून्यक हो जाएगा। ठीक ना, और ये समीकरण है तो इसके क्या हो जाएंगे, दो मूल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा लेकर के चल रहे हैं, उसको बना रहे हैं। ठीक ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका -4x² है। ठीक, तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपका पहला का तीसरा है क्या, -4x² है प्लस 4 √3x प्लस आपका क्या है, 3 है। इसको कैसे हम हल करेंगे तो देखिए, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम बोले हैं क्या कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में दोनों तरफ क्या कर देंगे। पहले देख लीजिए 4x² है प्लस 4√3x है बराबर आपका क्या है, -3 हो जाएगा। ठीक, अब x² का गुणांक क्या है, -4 है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, -4 से समीकरण के दोनों तरफ विभाजित करने पर। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -4 से दोनों तरफ विभाजित करेंगे तो 4x² प्लस 4√3x हो जाएगा, अपॉन में -4 बराबर -3 अपॉन में 4 हो जाएगा। देखिए इसको विभाजित कीजिएगा तो x² हो जाएगा, इसको हम लिख ले रहे हैं x² प्लस आपका हो जाएगा क्या, √3x हो जाएगा। ये माइनस से विभाजित करेंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक ना, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको विभाजित करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक ना, इस प्रकार अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लाने के लिए a² माइनस 2 × x और b के जगह पे क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक ना, अब इसको आप क्या कर लीजिए, सजा लीजिएगा, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -√3/2 को घटा दीजिए। ठीक ना, बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा x प्लस रूट माइनस हो जाएगा ना, a माइनस b को होल स्क्वायर पे है। ठीक ना, इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए,
और ये हो जाएगा 3 अपॉन में 4, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3 अपॉन में 4 हो जाएगा ये, ठीक ना। इस प्रकार आप इन दोनों को जोड़िएगा तो x माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसको हल कीजिएगा तो 6 अपॉन में 4 आएगा, इसको कटाइएगा तो 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप लोग देख लीजिए आगे कैसे हल करेंगे, या अपने से भी आप हल कर सकते हैं, इसमें आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ घटाओ सही है तो आगे आप आसानी से बना सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आपका हो गया क्या, x माइनस रूट 3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 अपॉन में 2 हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, इधर रूट हो जाएगा, जो भी प्लस माइनस में होगा 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपके x का जो मान होगा ये रूट 3 अपॉन में 2 हो गया, प्लस माइनस आपका 3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से इसके दो वेल्यू प्राप्त होंगे, एक आपका पॉजिटिव, अगर मान लीजिएगा पॉजिटिव मान लेने पर, मान लीजिएगा लेने पर आपका x का जो मान हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2 प्लस रूट 3 और अपॉन में रूट 2 हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बना सकते हैं इस तरह से, अगर इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 रूट 3 हो जाएगा, ठीक। फिर निगेटिव मान लीजिएगा, निगेटिव मान लेने पर आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो 2 एलसीएम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा क्या रूट 3 माइनस 2 रूट 3। इस तरह से एक आपका अल्फा का मान हो गया ये, और ये आपका क्या हो गया बीटा का मान हो गया, ठीक ना। इस तरह से आप हल कर सकते, हो सकता है इस तरह से न दिया हो, आपको इस तरह से दिया हो क्या रूट 3 अपॉन में 2, ठीक ना, आपका रूट 3 अपॉन, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक ना, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा रूट 2 होगा, तो ये हो जाएगा रूट 2, और रूट 2 जब जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा तो रूट 3 प्लस रूट 6 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा रूट 3 माइनस रूट 6 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक। इसको हल कीजिएगा तो रूट 3 अपॉन में 2 1 प्लस रूट 2 हो जाएगा, ठीक। इसको हल कीजिएगा तो रूट 3 अपॉन में 2 1 माइनस रूट 2 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब किसी तरह से आंसर दिया होगा, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक। अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे जो इसका वर्ड प्रॉब्लम होगा, ठीक ना, उस क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और भी जो जो आप हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगेगा उसको लेकर के आएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में जरूर लेकर के आएंगे। आप बढ़िया से देखिए, धन्यवाद।